Hey guys, how are you all? This video will change your perspective towards your exam completely. So watch it till the end. I request you to watch it till the end because इस वीडियो में हमने हर चीज के बारे में बात की है. आपके वीकली गोल्स, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, आपका मोटिवेशन किस डिरेक्शन में होना चाहिए, हर चीज के बारे में. सो नाउ स्टार्टिंग ऑन टू द टिप नंबर वन इज कंप्लीट योर सिलेबस अर्ली. आपको क्या लगता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होगा? टॉपर अपने सिलेबस को एज सून एज पॉसिबल जितने जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेते हैं और एवरेज स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रह जाता है. वो बोलता है कल से करूँगा, बाद में करूँगा, और उसका वो कल एग्जाम के एक दिन पहले होता है. और जो प्रॉपर स्टूडेंट रहता है उसके पास रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रह जाता है. उसकी वजह से उसने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो अच्छे से वो याद कर पाता है और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एग्जाम में. द टिप नंबर टू इज टेक स्कूल एग्जाम्स सीरियसली. गाइस, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इफ़ यू फॉलो दिस टिप यू विल गो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल इन नो अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज इट क्रिएट्स अ नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. इफ यू आर टेकिंग स्कूल एग्जाम्स सिंसियरली एंड वॉचिंग ऑल माई वीडियोज रेगुलरली एंड गेटिंग मोटिवेटेड, आई कैन ईजिली बेट ऑन यू दैट यू विल गेट 85-90% इन नो अमाउंट ऑफ टाइम विथ लेस एक्स्ट्रा एफर्ट्स. द टिप नंबर थ्री इज डोंट शेयर प्रोग्रेस टू एनी वन, नॉट इवन योर फ्रेंड्स. सच बात तो ये है कि आपके 10 फ्रेंड्स में से 8 तो आप इसे जलते होंगे. अगर आप उन्हें अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हो कि आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हो स्टडीज में, वो आप इसे चलेंगे और आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको और डीमोटिवेट कर देंगे कि क्या ही हो जाएगा, 10th तो है, कर ले मजे, स्कूल टाइम है. बट डोंट लिसन टू देम, इनफैक्ट डोंट शो योर प्रोग्रेस टू देम. अगर कोई पूछे कितनी पढ़ाई हुई है तो सिंपल सा एक जवाब दे देना उनको कि पासिंग मार्क्स आ जाए बस उतना पढ़ा है, दैट्स इट. द टिप नंबर फोर इज रेस अभी लंबी है. क्या हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं हो रही, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? टेंशन मत लो, अभी पूरे 80 डेज का टाइम है. 80 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आपके आज टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अगर आप आज मॉक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, टेंशन मत लो, कोई एक दिन में मैराथन नहीं भागता है. अपने टाइम से चलो, अपने हिसाब से चलो, बट स्ट्रेस मत लो एंड कंसिस्टेंट रहो. दैट इज ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. द टिप नंबर फाइव इज मेक वीकली गोल्स. मैंने खुद ने 10th में 90% स्कोर किए और उसके पीछे द मेन फैक्टर वॉज कि मैंने वीकली गोल्स बनाए. अब आप बोलोगे कि भैया वीकली गोल्स बनाए कैसे? द फोटो विल ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, पॉज करके देख लेना. वीकली गोल बनाने से आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. जैसे जैसे आप गोल्स कंप्लीट कर रहे हो टिक मारते जाओ. बिलीव इन मी, दिस फैक्टर विल हेल्प यू अलॉट. अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख ली तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप पढ़े हुए भी सीरियस हो. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट डाउन दैट आई विल क्रैक दिस एग्जाम स्मार्टली बिकॉज अपने चैनल का नाम ही है क्रैक स्मार्टली. सो नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 6, दैट इज नो योर सेल्फ. खुद को पहचानो. आज क्वेश्चन टू योर सेल्फ, मैं एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ? मैं एग्ज़ाम इतने सीरियसली क्यों दे रहा हूँ? मैं पढ़ाई कर ही क्यों रहा हूँ? मैं जो ये भैया की वीडियो देख रहा हूँ, मैंने ये वीडियो एंड तक कैसे देखी? क्यों? इफ़ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, हाउ अपने आप आ जाएगा. आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए. इफ़ यू आर गेटिंग मोटिवेटेड विदाउट एनी नॉलेज यू आर अ स्टूपिड मोटिवेटेड, बट इफ़ यू आर गेटिंग मोटिवेटेड विथ नॉलेज यू आर गोइंग टू obviously progress in your life. So with that, I would like to conclude this video कि weekly goals अच्छे से बनाओ, पढ़ाई अच्छे से करो, ध्यान रखो अपना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, उनको proud feel करवाना है, and that's it. That is your goal in your life. Girlfriend boyfriend के पीछे मत भागो, सब छोड़ दो, सब कुछ घुमाया, पढ़ लो, अभी भी time है. So yes guys, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं next video में. 80 days root map to score 90% in your 10th board exams. Till that time, stay safe. And yes, subscribe to the channel if you haven't subscribed yet, because you will get more such amazing content in later videos. Thank you.